तो कल है बैंगलोर का मैच और जो आखिरी दो बची टीमें हैं वो एक दूसरे का आमना सामना करेंगी, हैदराबाद और बैंगलोर, वार्नर और विराट कोहली काटेगी टक्कर। जड़ भाई, वीरू भाई, क्या लग रहा है इस आखिरी मैच में, आखिरी मुकाबले में? टक्कर का मैच है सर, देखो टक्कर का मैच है, दोनों तरफ बल्लेबाजी बहुत टक्कर की है। यू नो विराट कोहली और एबी डिविलियर्स तो हमेशा ही खेलते हैं, इस बार फिंच आए हैं, वो देखते हैं क्या उनको खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे। अगर उसको भी जोड़ दें तो फिर आप देखें ना, दुनिया में जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में है आज की डेट में, एक इंडियन, एक साउथ अफ्रीकन, एक ऑस्ट्रेलियन, वो वहां है। इस तरफ चले जाइए तो नाम अभी इतने बड़े नहीं हुए, वार्नर का हो गया है क्योंकि वो इतने सालों से है। बेस्ट्रो को लास्ट ईयर हमने एक्सपीरियंस किया है तो हम समझ रहे हैं वो क्या कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट ऐसे है कि यहाँ पे दिग्गज नामी गामी लोग हैं और वहां पे वो आए हैं जो अपना नाम बनाना चाहते हैं, और टीम में भी कुछ ऐसा है, जैसे टेबल में भी अभी रखा है बैंगलोर को ऊपर, नामी गामी टीम और जो नाम बनाने वाली टीम उसका मुकाबला कर। सर नाम ही दिखा रहे थे आपको, ये रहे नाम सारे टीम प्लेयर्स के आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा स्क्वाड आपकी टीम के ऊपर। बैंगलोर की बात कर रहे थे, फिंच भाई साहब आए यहाँ पर, हर एक साल यहाँ पर जाट भाई सुपरस्टार्स आते हैं, वीरूपा जी सुपरस्टार्स तो आते हैं, अच्छा भी खेलते हैं, बड़ा प्रॉमिस होता है, लेकिन टीम कभी आगे तक नहीं जाती है। वीरूपा जी आप अगर इस टीम को देख रहे हैं यहाँ पर, क्या लगता है इस साल बैंगलोर अपना इम्पैक्ट दिखा पाई? शनि भारी है ना उनके ऊपर, जो वहां आता है वो शनि भारी है, क्योंकि एक एक या दो ही प्लेयर है उनके जिनके ऊपर शनि भारी नहीं है, वो कोहली और एबीडी है। शायद दो, अगर दो प्लेयरों से टीम जीतती नहीं, चैंपियन नहीं बनती, तो बाकियों पे शनि आ जाता। जैसी वो, मैं ये हिस्ट्री बता रहा हूँ, जैसी वो बैंगलोर से निकलते हैं ना, उन सब के ऊपर से शनि हट जाता है। तो नो डाउट ऑन पेपर उनकी टीम अच्छी है, लेकिन वो परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, कन्वर्ट करनी पड़ती है। जब आशीष नेहरा कोच थे वहां पर, तब हम उनसे यही बातें करते थे कि यार तुम उनको क्यों नहीं खिलाते, ये क्यों नहीं करते, वो क्यों नहीं करते। वो कहते भाई मैंने सब कुछ करके देख लिया, बट इस टीम का कुछ नहीं हो सकता। इस साल क्योंकि जो उनकी गेंदबाजी लास्ट ईयर देखी थी ना, वो आशीष की बात करी अभी वीरू ने, उसने वहां पे गेंदबाजी जो इंडियन फास्ट बॉलर्स होते हैं ना वो अच्छे इकट्ठे करके रखे थे, और अब किस्मत अच्छी है आरसीबी की, शायद ये बोल लो कि इस बार हम जब यूएई पहुंचे हैं तो इतनी घास वाली विकेट्स दिख रही हैं, तो वहां पे नवदीप सैनी एक बढ़िया गेंदबाज है, उमेश यादव एक्सपीरियंस है, शिराज है, तो फिर आपके लिए देखो ना कितना आसान हो गया। तीन ये खिलाड़ी, एक हो गया युजवेंद्र चहल, हिंदुस्तान की टीम के खिलाड़ी है, फिर दूसरी तरफ बल्लेबाजी में ले लो विराट कोहली अकेले, फिर दो ऐसे इंटरेस्टिंग खिलाड़ी है वॉशिंगटन सुंदर और शिवम दुबे, तो सात इंडियन आपको अगर ऐसे मिल गए हैं, और जो अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हैं उनके पास उनका भी अगर इस्तेमाल नहीं कर पाए, फिर तो कुछ मैंने फिर आरसीबी को भी नाम चेंज करना पड़ेगा लगता है। बहुत एक्साइटिंग टीम है, बहुत एक्साइटिंग टीम है। दूसरी ओर हैदराबाद की टीम में नजर डालते हैं, फिर क्या कहना है, फिर उनको नाम चेंज कर देना चाहिए आरसीबी से, वैसे भी तो 8 o'clock ही है, नाम ही तो दिखाया हुआ है, फिर 8 o'clock कर दें, 8 o'clock के मैच तो जीतेंगे। ये सजेशन वो आपकी जरूर लेंगे जाट भाई, कीप द सजेशंस कमिंग। लेकिन दूसरी ओर देखते हैं हैदराबाद की टीम और पूछते हैं भाई सजेशन वीरू पाजी की, कि ये हैदराबाद वाले कैसे लग रहे हैं आपको, वार्नर एंड बॉयज? देखिए लुक गुड है, बट उनमें भी मुझे जो कमी लगती है, जो इंडियन उनके स्टार बैट्समैन है वो कम है, सिर्फ एक मनीष पांडे मैं कह लूं, बाकी उतने इंडियन बैटिंग लाइनअप में नहीं है, तो इसलिए शायद तो ज्यादातर निर्भर करते हैं विलियमसन पे, डेविड वार्नर पे, जॉनी बेस्टो पे, उन पे निर्भर करते हैं वो लोग। ऑन पेपर ये भी टीम ठीक है, लेकिन स्टारों वाली टीम नहीं है जैसा आरसीबी है या बैंगलोर की टीम है, तो उसमें स्टार ज्यादा है, बड़े बड़े नाम है, लेकिन ये टीम स्टार नहीं है, बड़े बड़े नाम नहीं, लेकिन काम अच्छी तरह करना जानते हैं, तो इसलिए हैदराबाद जब अच्छी टीम बनी है जब से, तो वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करते हैं, प्लेऑफ्स में आते हैं या 4-5 number तक रहते हैं। आई थिंक बैंगलोर को उन्होंने फाइनल में एक बार हराया भी था जब वो चैंपियन बने, तो मुझे लगता है कि ऑन पेपर अच्छी टीम है, स्टारों वाली टीम नहीं है, लेकिन ये वो कहते हैं ना कि ये कर्म करने में विश्वास रखते हैं, ये फलों वाली चिंता नहीं करते, फल की चिंता नहीं करते। और जब ये कैसे खिलाड़ी हैं यहाँ पर जो भूल भी रहे हैं फल भी रहे हैं, जिनको ढेर सारे फल मिले लाइफ में अपने बॉलिंग के, अपनी बैटिंग के, वो राशिद खान, ये एक इंपैक्ट प्लेयर है जाट भाई, और यूए की कंडीशंस को भी अच्छे से जानते हैं, तो ये इनके लिए बहुत एक अहम खिलाड़ी रहेंगे। बिल्कुल ये अहम खिलाड़ी रहे हैं इनके, ये और नबी भी, मैं तो मानता हूँ नबी को ज्यादा अंडररेटेड है, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी उनसे भी बेटर है और फील्डिंग भी करते हैं, उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट ईयर जो इनके साथ प्रॉब्लम थी क्या हुई थी कि जो इंडियन फास्ट बॉलर्स है वो आखिरी टाइम पे आके चूक गए थे,
चाहे वो आप कहें उसमें संदीप शर्मा थे, कॉल साहब के बेटे का नाम माफी चाहता हूँ भूल रहा हूँ, सिद्धार्थ कॉल थे, तो वो लोग जो जो कमी थी ना वो यहाँ पे कंडीशन से शायद वापस अपलिफ्ट हो सकती है। और जो इम्पैक्ट लास्ट ईयर देखा था, क्योंकि दोनों वार्नर और बेस्ट्रो आखिरी में चले गए तो सडनली इस टीम को आपने डिप होते हुए देखा था, तो इस बार वो पूरे टाइम रहे और बाकी लोग भी अपना काम कर सके। क्योंकि वीरू की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि ये वो टीम है जो अपने वो कहते हैं ना पंचिंग अबाउट दर वेट है, मतलब आप जितना सोचते हैं उससे वो बेहतर करके देती है, क्योंकि ये एक अकेली ऐसी टीम है जो ये नीचे वाली टीमें जो गिनते हैं जो सुपरस्टार टीम्स नहीं है, कोई बुरा ना मान जाए क्योंकि सारी टीमें बराबर है भाई, मेरे लिए ऐसा नहीं है, लेकिन जो सुपरस्टार टीम नहीं है उसमें एक खास चीज जरूरत होती है कि अगर आप में इंडिविजुअल्स इतने बड़े स्टार नहीं है तो फिर एज ए यूनिट आप खेलते हैं, वो ये टीम खेलती है। भाई टीम मैनेजमेंट अपना काम कर रही है वहां पर, लेकिन आप लोग भी अपना काम कीजिए भाई, बनाइए अपनी माय 11 सर्कल, मेक योर ओन टीम भाई। इस प्रतियोगिता में हर एक दिन हिस्सा लीजिए, अपने मनपसंद खिलाड़ियों को सिलेक्ट कीजिए, चूज कीजिए, अगर उनकी परफॉर्मेंस बढ़िया होगी, आपकी टीम की परफॉर्मेंस बढ़िया होगी, तो आप हर हफ्ते चांस ऑफ विनिंग 1 करोड़ रुपीज। कीप प्लेइंग विद अस, कीप एंजॉयिंग योरसेल्फ्स।